Hi everyone, yesterday we completed our topic subject and predicate, right? तो अब subject and predicate हो गया था. अभी मुझे बहुत सारे queries आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप sentence का new video बना दीजिए, क्योंकि उसके types भी हैं, parts तो हमने कर लिए types के लिए भी. So आज हम करेंगे kinds of sentences, right? आज क्या करने वाले हैं हम, जैसे sentences है, sentences के under में हम करेंगे kinds, right? Kinds of sentences. Means sentences कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं. ओके, यस. सो वी हैव फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस, राइट. हमारे कितने सेंटेंस, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, फोर टाइप के सेंटेंसेस होते हैं. ये याद रखना है आपको, काइंड्स एंड पार्ट्स, PARTS, पार्ट्स. दोनों में बहुत डिफरेंस है. कल हमने जो टॉपिक किया था दैट वॉज पार्ट, है ना, और आज हम करेंगे काइंड, राइट. सो काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के कौन कौन से काइंड होते हैं, या सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेंटेंसेस हैज फोर टाइप्स, सेंटेंसेस के फोर टाइप्स होते हैं, राइट. फर्स्ट इज एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस. एसर्टिव को हम और डेक्लरेटिव, डेक्लरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, राइट. एसर्टिव सेंटेंस को हम डेक्लरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. चलिए, सो नेक्स्ट इज, अच्छा इसे असर्टिव डेक्लरेटिव साथ में स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, और स्टेटमेंट, ठीक है. अब इसे एक्सप्लेन करूंगी मैं, पहले हम थोड़े से इसके टाइप्स और पढ़ लेते हैं. सो दिस वन वॉज आर फर्स्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वन इज जो सेकेंड है, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव, ये अक्सर आपने बहुत सुना होगा इन इंग्लिश मूवीज अगर आप देखते हो, क्योंकि हिंदी में तो जनरली पूछताछ हम बोलते हैं. सो इसका एक बेस्ट वे याद करने का कि आप इंटरोगेटिव वर्ड याद कैसे करेंगे, आपने देखा जब पुलिस एक बार चोर को पकड़ लेते हैं या पुलिस स्टेशन किसी को बुलाते हैं, तो वो पूछताछ करते हैं, राइट. हम बोलते हैं पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उस पूछताछ को इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं इंटरोगेटिव, राइट. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. अच्छा ये मैंने सिर्फ ना इंटरोगेटिव के लिए आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि याद रहे हमें कि अच्छा जब पुलिस पकड़ लेती है तो वो क्या करती है, पूछताछ करती है. पूछताछ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो क्वेरीज करते हैं हमसे, जो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट. जैसे पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, तो ये सेंटेंस जो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है. बाकी ऐसे कोई भी लाइफ में कहा मत करिएगा कि पुलिस पकड़ के लेते हैं. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी, नंबर थर्ड. दिस वन वाज आर फर्स्ट, दिस वन वाज आर सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, राइट. थर्ड वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, राइट. ओके, इम्पेरेटिव, सॉरी यहाँ पे ये आएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है. फर्स्ट वन वॉज असर्टिव डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट, सेकेंड वॉज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एंड थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एंड फोर्थ वन इज, फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट. अभी चार टॉपिक्स हैं, मतलब सेंटेंसेस के फोर पार्ट्स हैं. अब ये फोर पार्ट्स हम एक बार में नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर एक बार में समझेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा ये वाला कौन सा था, ये वाला कौन सा था, ये वाला कौन सा था, राइट. सो आज हम सिर्फ समझेंगे असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, राइट. आज हम सेंटेंसेस का ओनली फर्स्ट पार्ट समझने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट समझेंगे कि ये असर्टिव डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं, राइट. तो जो रेस्ट हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये हम अभी या आज नहीं समझेंगे. अभी वन बाय वन आगे बढ़ना है, एंड एक साथ जब हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा. तो हम आज फर्स्टली स्टार्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस से, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, राइट. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस होते हैं स्टेज और स्टेज समथिंग, इसकी सिंपल सी मीनिंग. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट क्या होती है, राइट. स्टेटमेंट
क्यों पूछते हैं तो स्टेटमेंट के लिए सिंपल सी चीज़ है आपको बताना है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंसेस सेज और स्टेट्स समथिंग। सिंपल सी चीज़ है सेज और स्टेट समथिंग समथिंग राइट, स्टेट और सेज थम समथिंग राइट मीन्स या तो वो चीज़ फैक्ट है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता राइट, या तो फिर वो चीज़ जो उसके बारे में बताई गई है दैट इज मतलब किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, दिस इज फैक्ट राइट, दिस इज फैक्ट वी कैन नॉट चेंज इट ठीक है। सो अच्छा एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ नहीं तो अदरवाइज आपके फिर उसमें नेक्स्ट अगेन आपका स्टार्ट हो जाएगा मैम प्लीज राइट द सेंटेंसेज प्लीज राइट द सेंटेंसेज और एग्जाम्पल्स। तो इसका मैं अभी मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल बताया दैट इज द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट राइट। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया है ठीक है, डिक्लेयर कर दिया है कि सनराइज कहाँ से होता है ईस्ट से। अच्छा कई बार टीचर भी क्लास में डिक्लेयर कर देते कि हर्ष इज एन इंटेलिजेंट बॉय ठीक है, हर्ष इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ टीचर ने क्या किया है, टीचर ने डिक्लेयर कर दिया मीन्स क्लास रूम में डिक्लेयर कर दिया कि हर्ष जो है वो सबसे इंटेलिजेंट राइट, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, सब लविंग है, केयरिंग है, सारे बच्चे बहुत अच्छे राइट। सो हर्ष इज एन इंटेलिजेंट बॉय यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। सो जिन भी सेंटेंसेस हो या तो वो फैक्ट होंगे या किसी चीज़ को बताया जाएगा या तो वो सेंटेंसेस हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस सॉरी नॉट अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, इसका ये भी हो सकता है कि यस स्टेटमेंट के अगर हम जाएं तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ही इज अ सक्सेसफुल एंड आल्सो सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो मैंने यहाँ पे अभी सेंटेंस क्या लिखा है, मैंने लिखा है सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो क्या है ये बता रहे हैं डिक्लेयर कर रहे हैं, दिस इज एन स्टेटमेंट दैट ही इज अ सक्सेसफुल मैन राइट। नाउ आई थिंक अब आपको समझ आ गया है असर्टिव डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेज और स्टेट समथिंग मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा हो या किसी चीज़ को या किसी स्टेट यानी उसकी जो पोजिशन या फैक्ट है उसको बताया गया राइट right? चलिए अब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं, बाकी अभी सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़े थे, ऐसे ही असर्टिव सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं या टू टाइप्स हम इसे बोल सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस के टू टाइप्स होते हैं राइट right? सो इसके टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसे कई बार बच्चों को समझाने के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव ठीक है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव राइट। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो मैंने जैसे भी आपको बताई कई बार समझाने के लिए हम इसे पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल देते हैं राइट right? क्या बोल देते हैं हम इसे, पॉजिटिव सेंटेंसेस राइट। इसमें क्या होता है सेंटेंस जो है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम सेम एग्जाम्पल लेंगे, द सन यस द सन राइजेस इन द ईस्ट राइट, एक सेंटेंस था। अब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब हम उस सेंटेंस को निग्लेक्ट कर दें, नेगेटिव कर दें, उसको बता दें कि नहीं ये तो है ही नहीं है ना, जब टीचर पकड़ लेते हैं आपको आपने होमवर्क जानबूझ के नहीं किया था, नहीं मैम मैंने तो किया था मेरी नोटबुक नहीं है या मैं घर भूल गया राइट। सो किसी चीज़ को निग्लेक्ट कर दें ना, कई बार मम्मा पकड़ लेती हैं बुक सामने हम तो पढ़ रहे हैं मम्मा, और मम्मा ने पकड़ लिया तो हम बैक टू द वर्ड्स, नहीं मम्मा मैं तो पढ़ रहा था है ना। सो
नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो ये डिक्लेयर करते हैं कि वो जो हम बोल मतलब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है या वो चीज़ हो नहीं सकती, राइट right? तो जैसे अगर यही सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना होगा, इसको बताना होगा कि ये सेंटेंस अगर इसने बोला, दरअसल जैसे एग्जाम्पल के लिए हम दो बच्चे ले लेते हैं, दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट, मीन्स सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, दूसरे ने बोला नहीं जी सन ईस्ट से नहीं निकलता है, वो वेस्ट से निकलता है, राइट right? तो अब इसको निगलेक्ट करना है, हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस से फ्रेम करना है, तो कैसे करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और इसका क्या आ जाएगा, द सन अगर हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो द सन डज नॉट राइट, द सन डज नॉट सेट, नॉट सेट इन द, या डज नॉट राइजेज इन द ईस्ट, डज नॉट राइजेज ही करते हैं, डज नॉट राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस तो गलत है, राइट ये गलत सेंटेंस है, लेकिन अब क्या होता है, अगर मैं यहां पे कर देती हूं, सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, बात सेम है, क्या है, पहला ये लिखा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट में निकलता है, राइट, एंड दूसरा सेंटेंस है द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, यानी सन जो है वो ईस्ट से, अगर ईस्ट से ही निकलता है तो क्या वो ईस्ट में जाके सेट हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं है, राइट right? सो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, राइट right? तो अभी आपको आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से हमें समझ आ जाए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस हैज फोर टाइप्स और फोर काइंड्स हम बोल सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस, राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। अब क्या होते हैं जो असर्टिव सेंटेंस है, राइट, असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो हमें असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या ऐसे वाक्य होते हैं जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं या फिर किसी चीज़ का स्टेट समथिंग मतलब कुछ बताते हैं, या तो वो फैक्ट भी हो सकता है, किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, राइट, डिक्लेयर करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस के टू पार्ट्स होते हैं, राइट, टू पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है डज नॉट, इट नॉट, डू नॉट, नॉट, नेवर, नीदर, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे नेगेटिव में यूज हो जाते हैं, राइट। अब देखिए, अब जो मेन है, हाँ इतना कंप्लीट हो गया हमारा, एग्जाम्पल्स हो गए हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आपका काम है आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए और जहाँ डाउट आता है पूछिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो, जितनी चीज़ों को आप जल्दी समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपको उतनी ही चीज़ें लाइफ में लर्न होनी चाहिए, राइट। वैसे भी एक कोटेशन है, लर्निंग फॉर लाइफ, जो हमारा मोटो, दैट इज लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ के लिए पढ़ो, जिंदगी के लिए पढ़ो, कुछ ऐसा मत पढ़ो आज पढ़ा सब अच्छा, आज हम 8th 9th क्लास में आ गए हैं आज पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कल एग्जाम्स भी तो देने हैं, वैसे भी इस टाइम पे जो 10th 12th वाले हैं उनके तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हाँ उनको थोड़ा सा सैड फील हो रहा होगा कि अरे मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे जो सोचे थे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है गुड, क्योंकि आपने नहीं पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने उस टाइम को कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर किया होगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही कि सब टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ है ठीक है, लाइफ में कुछ ना कुछ सब लोग करते रहते हैं, ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई, यस, सो ये हो गया हमारे सेंटेंसेस, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए एंड जो डाउट्स आए वो पूछिए, राइट, सो थैंक यू सो मच।